अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ब्रांड न्यू शेफ्रॉन अहमदाबाद मुंबई वंदे भारत। तो देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं क्या बात है भाई, इसका कलर देखो। ओए हो यार, तो कैप भी मिली आपको? वाह, बैग भी मिला है। कैसा लगा भाई? भाई तेरे हिट नंबर है। और आज मुंबई सेंट्रल काफी सुंदर सा कप। Here we go, been down this road. They already know. When we go on tour, I'll take you anywhere you wanna go. People talk about us like they understand just what this is. I just wanna give you what you want and then trouble it. I'll sell my young. हाँ जी, क्यों जी, सारे सत श्रीकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद में, और आज भाई इंडियन रेलवेज के लिए और हमारे लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि आज शुरू होने जा रही है एक साथ नई 10 वंदे भारत एक्सप्रेस। और इतने ही नहीं, सारी की सारी वंदे भारत एक्सप्रेस आपको मिल जाएंगे भाई सेफ्रॉन कलर में। और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, और आज हम कवर करेंगे भाई पूरा एंड टू एंड जर्नी फ्रॉम अहमदाबाद टू टिल मुंबई सेंट्रल। और मैं पहले आया था जब ये वंदे भारत इस रूट पे सेकंड वंदे भारत स्टार्ट होने जा रही है, जब पहली हुई थी तभी मैंने फर्स्ट डे कवर करी थी, और आज इसको फर्स्ट डे कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं भाई और करते हैं जर्नी की शुरुआत। भाई कॉपी लेट आ जाएगा इसलिए आपको ज्यादा नहीं दिखा रहा, लेकिन माहौल बना दिया भाई यहाँ पर, ये देखो गुजरात का ये मजा आता है मेरे को यार। तो फाइनली देख लो भाई, आ चुकी है हमारी नई नवेली सेफ्रॉन वंदे भारत एक्सप्रेस। हाय हाय, क्या बात है भाई, इसका कलर देखो आप। तो भाई फाइनली अपने गेट ओपन हो चुके हैं, और चलते हैं अपने C8 कोच के अंदर, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली अभी C8 कोच में बैठना है, बाकी आपको चलते हैं अंदर जाके इंटीरियर दिखाते हैं। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड भाई, आज इतना बड़ा दिन है और हमें मौका मिलता है कवर करने का। काफी लोग सोच रहे होंगे इतने सारे और नए रूट हुए स्टार्ट, वहां क्यों नहीं गए, वहां भी जाएंगे कि करके, यार मैंने सोचा नए रूट को ना कमर्शियल में एक बार कवर करते हैं। तो ये रहा भाई C8 कोच, और चलते हैं अंदर, लगेज रखते हैं। तो भाई एंट्री पे ऐसा कुछ है, अभी पूरा कोच खाली है, इसको प्रेस करते हैं, ये हो गया ओपन। अभी सीट नंबर तो नॉट श्योर, बट एंड में बैठते हैं बिल्कुल जो दो वाली सीट है। चलिए जी, बैठ चुके हैं अपनी सीट पे, और मैं आपको इंटीरियर दिखाया था, वैसे मैंने बहुत बार दिखाया है, बट नई वंदे भारत है और लिवरी भी आपको पता है सेफ्रॉन कलर की है। तो देख लो यहाँ पर आपको फुटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, आराम से। दिस वन इज मैगजीन होल्डर, ये होगी अपनी ट्रेडेबल, ये ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है। और चार्जिंग पॉइंट देख लो यहाँ पर, ये आगे चार्जिंग पॉइंट, काफी लोगों की शिकायत होती है भाई चार्जिंग पॉइंट की इधर, तो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा 3x2 का कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। देख लो दो सीट इधर और तीन सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ऊपर अपना रख सकते हैं लगेज आराम से। और ये होगी, देखो टच करेंगे भाई, ये तो इसको संभाल के रखना है। और भाई एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं ना, अपनी चीज समझ के ट्रैवल किया करें, इतनी बढ़िया चीजें देती है ना, खराब ना करा करें, बस इतना बोलूंगा। यहाँ पर आपको देख लो विंडो ब्लाइंड शीट मिल जाएंगे, धूप के लिए आराम से कर सकते हैं। और इस वंदे भारत में ना इसको और डार्क किया गया है, तो ट्रेन का नंबर स्पेशल रखा गया है 09404 अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस। कुछ लोगों की ये वाली होती है फेवरेट सीट, क्यों भाई? यहाँ पर अपने भाई मिल चुके हैं, कैसे भाई? बस बढ़िया, सब बढ़िया, पहचान ही लेगा भाई को, दो तीन बार हम मिले हैं, तो एक्साइटेड हो? बिल्कुल एक्साइटेड, और आप लोगों की ये बगमा गाड़ी, और एक बार फिर के भाई है कि भाई साहब, तो हमें बड़ी खुशी है कि भाई भाई एक बार मिल गए हमें, और हम एक बार फिर साथ में पूरा ट्रैवल करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अभी मैं आ चुका हूँ इस ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास में, और यहाँ पर देख रहे 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे भाई डिफरेंस तो लग नहीं रहा, नहीं डिफरेंस काफी है, देखो मैं सीट पे बैठूंगा, कलर कॉम्बिनेशन सेम रखा हुआ इन्होंने, लेकिन भाई कंफर्ट काफी, यहाँ से आप अपना रिक्लाइन कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है फुटरेस्ट, अगर आप अपना रेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशियस काफी, अगर चेयर घर से हम कंपेयर करें ना तो ये स्पेशियस है। और इसमें कमर्शियल में आपको दिखाएंगे सुविधा भी बहुत अलग मिलती है एज कम्पेयर टू द चेयर कार। बाकी चलिए अंदर चलते हैं, और मैं वैसे बता दूं आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10 की 10 वंदे भारत को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता भाई इतनी सारी हो रही है, पॉसिबल नहीं एक जगह है। और मैं अहमदाबाद ओनली कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, 4 वंदे भारत है जो एक्सटेंड भी हो रही है, मतलब 10 नहीं है और 4 उसके अलावा एक्सटेंड हो रही है। कौन कौन सी है
मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पर सारी अपडेट मैं डाल ही रहा हूं। और आपको स्क्रीन पे दिख ही जाएगा भी कौन कौन सी अयोध्या पर कहां कहां से फ्लैग अप हो जाए। मैं एक चीज बताऊं, मैं पहले जो रिकॉर्ड किया वो सारा माइक से गया है। माइक अच्छा है या नॉर्मल? कभी कभी नॉर्मल आवाज नहीं आती ना इतने क्राउड में, तो इसलिए माइक लगा रहा हूं। प्लीज बताना, सजेशन देना मुझे। अभी थोड़ी देर में डिपार्चर हो जाएगा, आपको पता है, वर्चुअली अर्जेंटली दिखाएंगे। फाइनली जाकर डिपार्चर हो चुका है, और देख लो भाई, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली अहमदाबाद में है, लेकिन वर्चुअली देख लो सारी की सारी बंदे भारत का यहाँ से इनॉग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वो देखो यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर आए भी हैं। लो जी निकल चुके हैं अहमदाबाद से, लेकिन मुझे लगता नहीं था इतनी जल्दी गाड़ी निकाल देंगे। देख लो भाई 9:40 हुआ है और डिपार्चर हुआ है। अब देखते हैं भाई कितने बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचते हैं। ये देख लो भाई अहमदाबाद जंक्शन, कौन कौन अहमदाबाद से कमेंट सेक्शन में बताना। अभी देखिए 130 की रफ्तार भी आपको देखने को मिलेगी भाई इस गाड़ी की। देखो भाई जस्ट गाड़ी निकली है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई पीछे है लूडो लूडो जैसा पूरा बनाया हुआ, और यहाँ पर देख लो लिखा हुआ वंदे भारत एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल। काफी अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ इनॉग्रेशन में, इतनी इनॉग्रेशन करी है, लेकिन ये पहली बार देखा है, बहुत ही बढ़िया यार। भाई गाड़ी जस्ट निकली है और देख सकते हैं यहाँ पर, थैंक यू सो मच, सबको एक वाटर बॉटल दी जा रही है। तो देख लो ये है आज का इनॉग्रेशन पास, जिसपे यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ सब कुछ। ये आई गेस अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल ही है, तो ये ऐसा कुछ है आप देख सकते हैं। और सुविधाएं भी मिलेंगी, देखते हैं जो जो चीजें प्रोवाइड कराएंगे, बट मैं सोचा एक बार आपको पासिस तो दिखाया जाए कैसे दिखते हैं। निकलते ही अभी जस्ट हम आई गेस ये दिस वन इज मणिनगर। यार क्या स्पीड से जा रहे हैं, 1:16 सही है यार, अभी निकलते ही बहुत स्पीड। लो जी पैरेलल ओटी, थैंक यू सो मच भैया। अभी 9:55 हुए, 9:40 पे डिपार्चर हुआ था अपना। 15 मिनट के अंदर पानी खाना पीना सब कुछ आ गया, बहुत बढ़िया। लो प्यारा सा हमें एक एज अ स्नैक्स मिले जिसमें ब्रेकफास्ट ही, तो इसमें देख लो वेलकम सी यू, आपका हार्दिक स्वागत है। और ये रामाडा से भाई लगी हुई थी ना, और ओके अरे पानी गिर गया। और इसमें भाई हमें मिला ये है चिवड़ा, ओके साथ में ये खाने पीने को चीजें हैं, तो अनबॉक्स कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें हमें भाई मिला है ये है एक कचौड़ी, और ये एक पफ दिया छोटा पफ है, साथ में गुलाब जामुन जूस दिया हुआ है, चोको पाई है, और ये चिवड़ा है। तो चलो टेस्ट करके बताते हैं कैसा है इसका टेस्ट। एक नंबर टेस्ट में बहुत बढ़िया है, चोरी भी टेस्ट करके देखते हैं, ये भी अच्छी है। आपको पता है सुबह से पैकिंग हुई हुई है और ठंडा तो हो ही जाना है, लेकिन टेस्ट में काफ़ी अच्छी, टेस्ट का कोई दिक्कत नहीं। भी अच्छी मील का जो समाप्ति कह सकते हैं वो होती है मिष्ठान से, मीठे से। तो हमें ये गुलाब जामुन प्यारा सा खाने का दिल कर रहा है, इसको देख रहे हैं दिल कर रहा है। जी भाई ने नादिया जंक्शन को भाई स्किप करते हुए आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि इसके टाइमिंग क्या रहने वाले, अगर आप ट्रैवल करेंगे तो मैं टाइमिंग बताया था। अगर आप अहमदाबाद से मुंबई जाएंगे तो ट्रेन नंबर 22962 ये सुबह चलेगी 6:10 पे, और आप ठीक 11:35 में पहुंच जाएंगे मुंबई सेंट्रल। एंड रिटर्न में चलेगी ट्रेन नंबर 22961 ये 3:55 पे चलेगी मुंबई सेंट्रल से, ठीक है आप लगभग 9:25 पे आप आ जाएंगे अहमदाबाद। टोटल किलोमीटर कवर करेगी अराउंड 500 किलोमीटर, और इसकी एवरेज स्पीड मतलब कितनी है 91 किलोमीटर पर आवर। और जितने भी स्टेशन रहेंगे मैं ट्राई करूंगा आज कवर करूंगा। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना, बातचीत के साथ साथ हमें एक सोवीनियर भी दिया जा रहा है, तो इसको देखते हैं यार सोवीनियर में आई गेस ये कप होगा भाई, ये हमें मिला है कप। आपको पता है अगर आप मेरे पुराने व्यूअर से आपको पता होगा बहुत बार हमें कप मिले हैं, और थैंक यू सो मच वेस्टर्न रेलवे। और यहाँ पर देख लो अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल काफी सुंदर सा कप है, इसको तो भाई संभाल के घर लेकर जाना है। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके घर में कितना अब तक कप जमा हो चुके होंगे? मेरे घर पे होंगे 5-6 कप, क्योंकि ना कुछ कुछ बंदे भारत में नहीं मिले, ऐसा नहीं हर एक इनॉग्रेशन में मिलते हैं, किसी किसी में कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। अनंत जंक्शन, तो हमें लगा था अनंत
आनंद जंक्शन गाड़ी रुकने वाली है, बट नहीं, इसका फर्स्ट होल्ड डायरेक्ट सीधा है 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन है वडोदरा तक। ऊपर देख रहे हैं ये पूरी फेंसिंग की हुई है, क्योंकि आपको पता है सेक्शन 130 का, और ये सेफ्टी पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आने वाले टाइम में ना ये सेक्शन भी शायद 160 हो जाएगा बहुत जल्दी, दिल्ली से मुंबई वाला। ओए ब्रिज से अब जा रही है, क्या नजारा है भाई, देख लो ये जा रही है अपनी पुरानी वाली बीवी। मैं अब इतनी दूर जाऊंगा, इतने में निकल जाएगी भाई, क्या बात है ये भाई, बहुत तगड़ा सीन है। तो मैं इतनी क्लोज नहीं जा रहा, ये देखो निकल गया, थोड़ा सा मिस किया लेकिन जबरदस्त था, टैग नहीं कर पाया यार, हमारा ध्यान नहीं रहा, बट कोई बात नहीं। चीज मैंने आपको दिखाई थी इसका तो असली मजा भाई लोग ले रहे हैं अपना, सही है यार। कैसा लग रहा है आपको ट्रैवल करके? मजा आ रहा है। फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो वंदे भारत में? अच्छा फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, क्या बात है, बहुत सही। कहाँ तक जाएंगे? एंड टू एंड? अच्छा अच्छा आने वाला है, सही है यार, लूडो खेलो एंजॉय करो, आपको डिस्टर्ब नहीं करते। ये सही तो यहाँ पर देख लो सारे छोटे छोटे बच्चे, बच्चे हैं। कैसे हो? कौन से स्कूल में हो? कौन सी, क्या बात, कौन सी क्लास में? अच्छा तो कैसा लग रहा है आप सभी को? देखो एक पूरा राइम से, तो कैप भी मिली आपको, वाओ बैग भी मिला है भाई, ये सही है। अच्छा सबको अलग अलग कलर मिले, कब भी मिले, वाओ यार। हेलो आप कहाँ तक जाएंगे? वडोदरा तक? चलो भाई वडोदरा आने वाला है, सब बच्चे उतर रहे थे, मैं सोचा सबसे मिले, सबको हाय कह दो एक बार भाई, वडोदरा आने वाला है, मैंने सोचा सब बच्चों से, आपको प्यारे प्यारे बच्चे थे उनसे मिलवाया जाए। और यार बड़ी खुशी यार, अच्छा लगता है यार, छोटे छोटे बच्चे कितने खुश थे। और यहाँ पर भाई काम चल रहा है भाई, हाई स्पीड, आपको पता ही है रेल प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद के लिए, बुलेट ट्रेन का पूरा प्रोजेक्ट का तावड़ तोड़ काम चल रहा है। ये भी आएंगे 2026-27 में कुछ ना कुछ सेक्शन ओपन कर देंगे इस हिसाब से, तो जिस हिसाब से अभी इतना तेज काम चल रहा है अपने इंडिया में बुलेट ट्रेन। पहुंच चुकी है हमारी गाड़ी वडोदरा में, और यहाँ पर हम भाई एक घंटे में डॉट एक घंटे के अंदर अब यहाँ पर पहुंच गए। क्या पावर तोड़ रन था, 100 किलोमीटर हमने कवर कर लिया। जब आप कमर्शियली ट्रेवल करेंगे ऑफिशियली इसका होल्ड रहने वाला है, सुबह 7 बजे अगर आप अहमदाबाद से आएंगे 3 मिनट का यहाँ पर होल्ड रहेगा। तो यहाँ पर छोटे बच्चे हैं वो सारे उतर रहे हैं, और कुछ बच्चे यहाँ पर बोर्ड भी कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ, वहाँ ढोल नगाड़े चल रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये सुना सुना है, एक्चुअली ऑलरेडी इसमें चल रही है ना वंदे भारत, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है, रेलवे ने डिमांड को देखते हुए 16 कोचेस की वंदे भारत चालू कर दिया। इसका जो कलर है ना भाई बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये देखो ये ऑरेंज ग्रे टाइप है, और ये थोड़ा डार्क कलर में है, और यहाँ पर शायद अभी इसका आज 5 मिनट का हॉल्ट रहने वाला है, लेकिन जब आप ट्रेवल करेंगे तब ये 3 मिनट का हॉल्ट होगा। चलिए भाई अंदर चलते हैं, ऐसा ना हो गेट बंद हो जाए और हम बाहर रह जाए। तो अभी दूसरे कोच में हम आ चुके हैं, देख लो भाई पूरा कोच खाली है। तो मैंने सोचा कि एक बार रील बनानी थी तो ये पूरा कोच खाली था, तो ये है पूरा हॉट केस। वैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया है यहाँ पर पूरा खाना गर्म होता है, इधर पूरा खाने को मतलब जैसे वाटर बॉटल होती है वो चीजें ठंडे के लिए, डीप फ्रीजर है, बाकी खाने पीने का देख लो पूरा सामान हो चुका है लोड। अभी हमारे को लंच भी सर्व होगा, तो लंच भी आपको दिखा देंगे। लंच भी मिलेगा, हो गई 100-200 तक लिखा हुआ है। भाई ओटी पड़ रहा है फ्लैट, देख सकते हैं, और प्लेटफॉर्म स्किप भी।
वंदे भारत भाई खींच के चला रही पूरी, मजा आ गया। अपने को यहाँ पर आ गई है गर्मा गर्म चाय, तो भैया को चाय बोली तो चाय ला कर दे दी तुमने। मैं गया था कैबिनेट लेने के लिए, बहुत चाय बहुत ही बढ़िया यार, कैबिनेट लेने के लिए गया था ना, तो चाय यहाँ पर थोड़ी ठंडी होगी। अभी हम स्किप कर रहे हैं भरूच स्टेशन को, देख सकते हो कितना रश है इधर। और यहाँ का सिंगदाना काफ़ी फेमस है, जो मूंगफली होती है ना, कोई लोग वहाँ पर बादाम बोलते हैं, तो यहाँ का बहुत फेमस है, कभी भी आएंगे ट्राई कर सकते हैं। अब इसके बाद तुरंत बाद नर्मदा माता जी आएंगी, नर्मदा रिवर आएंगी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो था वो वाला शूट आपको मैं कैबिन से दिखाता, बट पता क्या चक्कर है, ऑलरेडी कैबिन बहुत फुल है, सारे लोग मतलब शूट कर रहे हैं, तो मैं अकेला नहीं होता भाई, प्लीज़ ना ये बारी बारी, क्योंकि पिछली बार एक बार हो चुका है किसी ने, मतलब आज तक मैं डलवा दिया भाई, नहीं सहन होता है, तो पता है मेहनत कर रहे हैं, उंगली तो करनी है किसी को, तो अब उंगली ना करना, बस इतना मैं बोलूँगा। चलो जी भरूच निकल गया है, बाय बाय। तो कर लो भाई सब लोग दर्शन नर्मदा माता जी के। तो अभी एक्चुअली ना स्पीड इसलिए नहीं बन रही, काम चल रहा है, तो क्वेश्चन लगा हुआ है, इसलिए अभी इतनी स्पीड नहीं बनी। पर कुछ लोग कहते हैं सिल्वर ब्रिज है, कुछ कहते हैं गोल्डन ब्रिज है, भाई कमेंट सेक्शन में बताना अभी क्या करेक्ट नेम है। ये देखो अब रफ्तार पकड़ेंगे, देखो हम जो सेक्शन था ना जहाँ पर क्वेश्चन लगा हुआ था, काम चल रहा है, हो गया क्लियर। अब बड़ा ब्रिज है यार, ओए होए हो यार, एक रील बनी हो ना ऊपर। क्या नाम है भाई आपका, आपका चैनल का नाम भी बता दो यार आपके। रंजीत रेडी रेल फैन हूं मैं। अच्छा तो कैसा लगा कैबिनेट लेकर आए तो? बहुत मजा लगा, सच कहूं तो ज्यादा बंदे वाला से तो काफी बेटर लगा इसका। अच्छा मजा आ रहा है ना, ओवरऑल अच्छा लगना चाहिए यार, इनॉग्रेशन है, स्पेशल जर्नी है, तो एंजॉय करते हुए बातें करते हुए जर्नी करना। चलो चलो बहुत अच्छा यार, थैंक यू सो मच। अभी थोड़ी देर में सूरत आएगा, तो आपको सूरत में मिलते हैं। अभी आ चुके हैं इस ट्रेन के वॉशरूम के अंदर, तो मैंने सोचा कि वॉशरूम दिखा देते हैं, ये मिरर हो गया है, और यहाँ पर देखो पानी आता है, ऐसे ना सोचना, इधर से आता है कभी कभी, तो इसको यहाँ से बंद करते हैं। ये आपको पता ही है हैंड ड्रायर, ये बस बंद हो जाए, हो गया। और यहाँ पर लिक्विड सोप है, ठीक है जी। यहाँ पर टॉवल टांगने के लिए हैंगर, लेकिन टॉवल अपना लेकर आना पड़ेगा, और बाकी तो यार नीट एंड क्लीन ही आते ही रखो, बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है ना, तो साफ ही रहना यहाँ से होता है भाई, काफी लोग मतलब पता नहीं होता वेस्टर्न साइड भी दिया कर दिया करो, क्योंकि ओवरऑल तो भाई कंडीशन बढ़िया, आगे देखते रहेंगे। अगर कभी ट्रैवल कर रहे हो बाद में वीडियो देख रहे हो, बताना जरूर इसकी कैसी मेंटेनेंस है। चलो जी चलते हैं भाई, कुलदीप भाई भी आ गए कैबिन राइड लेके, आपको कैसे लगी भाई? बहुत प्यारी कैबिन राइड, सब लोग ले रहे थे, सब लोग ले रहे थे, और सभी को अभी मतलब आज के दिन तो अलाउड है, पर बाकी को हां मैं पहले बता दिया इनको कि भाई ऐसे कर कल को ना चले जाना, क्योंकि मीडिया को आज अलाउड है, क्योंकि हमें इनविटेशन आया है, और हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आराम से पीछे से रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई। एक्चुअली ड्राइवर जो लोको पायलट अंदर, एक्चुअली उनको डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि उनके अंदर उनके ऊपर पूरा जिम्मेदारी है, मतलब आपका आपका यात्रा सुखमय हो उनका जिम्मेदारी है। करेक्ट करेक्ट, तो बस इस चीज को हमें ध्यान दे देना जरूरी है, और आज के दिन हम जैसे मीडिया लोगों को ही खाली उधर, और वो भी पीछे से आराम से जहाँ तक उन्होंने बोला वहाँ से हमने जूम करके मतलब 3x 2x करके आपको दिखाया। सूरत तो भाई पहुंच चुकी है हमारी गाड़ी सूरत में, और यहाँ पर वैसे मैं बता दूं ऑफिशियली भी रुकेगी गाड़ी 8:20 पे रुकेगी, और 8:25 पे निकल जाएगी जब आप रेगुलर में ट्रैवल करेंगे, और टोटल किलोमीटर हमने 230 किलोमीटर कवर भी कर लिया है, पता भी लगा भाई 230 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ ना काफी मतलब स्टूडेंट्स आगे से मतलब उस कोच में बोर्ड किए हैं कुछ लोगों ने। चलो जी भाई वॉकिंग हो चुकी है, और हो जाते हैं भाई अंदर, ये देखो ब्लिंक हो गया, इसका ध्यान रखना जब भी ब्लिंक होगा ना, इट मीन्स मतलब विद इन आई गेस 10-15 सेकेंड्स में गेट बंद हो जाते हैं, ये लोग जैसे मैंने आपको बताया गेट हो चुके हैं बंद। गाड़ी निकल चुकी है सूरत से, अब मैं आपको फेयर भी बता देता हूँ, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे चेयर कार में फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई, तो आपको लगभग 1200 देना पड़ेगा, यहाँ पर देखो काफी लोग आए थे, एंड अगर आप एग्जीक्यूटिव में ट्रैवल करेंगे तो आपको लगभग 2300 देना पड़ेगा, एंड रिटर्न में मुंबई से अहमदाबाद जाएंगे तो आपको चेयर कार में 1400 देना पड़ेगा, और एग्जीक्यूटिव में 2500 के करीब। डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि कैटरिंग का डिफरेंस, मतलब जाते हुए आपको ब्रेकफास्ट सर्व होगा और आते हुए आपको स्नैक्स प्लस डिनर सर्व होगा, तो इसलिए वो फेयर का डिफरेंस आया है। बाकी चलो हमें भी अभी लंच सब होने वाला है, लंच देखते हैं लंच में क्या मिल रहा है। जी देखो जैसा मैंने आपको बोला था यहाँ पर आ चुके अपना लंच आ गया,
चलो लंच में देखते हैं क्या क्या मिला है और उसके बाद फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं। नहीं, वंदे भारत का कलर भी सैफ्रॉन है और खाना भी शायद ये सैफ्रॉन से ही आया है, लंच पैक्ड है। यहाँ पर मैंने अनबॉक्स कर लिया है और खाने में लंच में देखो हमें क्या मिला है। ये हो गया है पनीर की सब्जी है, दिस वन इज मिक्स वेज सब्जी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगी येलो दाल, ये हो गया राइस और मीठे में वापस हमें मिला गुलाब जामुन, लेकिन इतना ही नहीं माउथ फ्रेशनर भी मिले। उससे पहले आज ना मिक्स वेज देखते हैं क्योंकि इसमें भाई स्वीट कॉर्न है। बढ़िया भाई, पनीर की सब्जी देखते हैं। बाकी मैं ये भी बढ़िया, आपको मैंने बताया ना पहले मतलब बोर्ड हो गया ना, ठंडा है थोड़ा लेकिन टेस्ट कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, टेस्ट बहुत बढ़िया, मजा आ गया। साथ में पराठा भी मिला है, कैसा लगा भाई? भाई टेस्ट ही नंबर है, बढ़िया ना। ये हो गया पराठा, चलिए भाई इसको कंप्लीट करते हैं। भाई अभी अपने अनबॉक्स ही कर रहे हैं। वाह जी वाह यार, कमाल की एक चीज़ें दिखा रहे हैं सर, क्योंकि एक जहाँ भी एक ऐसी कोई चीज़ देखने को मिलती है ना भाई, वहाँ पर एक एंट्री मार देते हैं, ये उनकी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि आज एक ये जो कलर है ना, ये कलर बहुत वाकई एक यार प्यारा लगता है, जब भी इसको देखते हैं ना और एक 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 और जी फीलिंग आती है, इतना खूबसूरत एक कलर है। बाकी एक वंदे भारत के एक इंटीरियर की एक बात की जाए ना, तो यही है कि हमने जब फर्स्ट देखी थी ना या अब देख रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा अपडेट की जाती है। हर दफ़ा जो भी एक एक चीज़ें रह जाती हैं ना, अगली दफ़ा उसमें एक एक फ्यूचर जो एक अपडेट किए जा रहे हैं कैसे एक बाकी एक एक उनके दूसरा स्पीड पर आए, तो स्पीड यार ऐसे यार जाती है ना, अनएक्सपेक्टेड हो जाती है यार, चीज़ें जो हम सोच भी नहीं ना सकते वो चीज़ें यार देखने को मिलती हैं। बहुत मज़ा आता है अब एक वंदे भारत को देखकर। नहीं वाकई यार, आज तो एक मतलब के एक 10 ट्रेनों के भाई एक ओपनिंग हुई है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। पीएम मोदी जी ऐसे हरी झंडी लहराते हैं और चीज़ें स्टार्ट हो जाती है चलना। तो भाई काफ़ी ना इन्जॉय कर रहा था, लेकिन अगर कलर पर आए ना, एक एक वाइट कलर भी काफ़ी मतलब के एक अच्छा था, बहुत मतलब के प्यारा, लेकिन ये कलर में ज़्यादा शाइनिंग लग रही है, ये मतलब कि ना थोड़ा सा शो कलर और काफ़ी एक प्यारी लुकिंग दे रहा है। लेकिन भाई काफ़ी भाई इन्जॉय कर रहा है अपना, मतलब के मौजे लगी हुई है भाई की, इस साल तो बहुत चीज़ें उन्होंने मतलब के कवर की है यार भाई ने। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, बाकी देखो ना एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, वो थोड़ा अब स्पीड पकड़ गए हैं, और क्योंकि एक तो मतलब एक टेन्योर कंप्लीट होने वाला है और बहुत सारे उन्होंने प्रोजेक्ट ऐसे जो है ना वो मतलब रखे होते हैं कि जो इलेक्शन के एंड तक कंप्लीट भी हो जाए हैं, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना वो जहरी बात है थोड़ा टाइम लेते हैं। जिस तरह आप देख लो कि एक बुलेट ट्रेन है जो एक 26 तक जो है ना उसका कुछ ना कुछ पोर्शन, तो जहरी बात है वो इलेक्शन को मद्देनजर नहीं, इलेक्शन तो खैर हम ऐसे ही हमारा एक माइंड सेट बना हुआ है, मुझे नहीं लगता उधर इतना ये सीन होगा, लेकिन फिर भी अब काफ़ी चीज़ें जो है ना वो करीब करीब है, क्योंकि उन्होंने आते ही बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए थे, अब साथ साथ जो है ना वो कंप्लीट होते जा रहे हैं। आप देख लो कि हम ये 2-3-4 दिन हो गए रेगुलर, ये भाई भी जो है ना वो एक आप कह लें कि एक जिन ही बने हुए हैं, कोई पता नहीं होता किधर जाके निकल जाते हैं। हर चीज़ कवर कर, लेकिन यार ये एक बहुत बड़ी एक सहूलत है, ये देखो ना भाई एक सुकून का एक सफ़र है, और देखो एक 2-3 कैटागरी जो है ना, जो मतलब एक थोड़ी सी एक अच्छी कैटागरी है, उसमें आप देख लो कि कितनी प्यारी सीटें उन्होंने लगाई हुई हैं, और इधर मतलब दो दो लोग बैठ जाते हैं, और वहाँ पर इंटीरियर की बात करें यार, देखो ना एक मैजिक हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हमें याद है लास्ट हमारे 2 बोगियाँ आई थी एक चाइना से, और अभी तक उसके बाद हमें कुछ भी नहीं सुनाई दिया कि हमने क्या काम किया, कोई बसेस वगैरह या कोई ऐसी हमें डेवलपमेंट अभी तक नजर नहीं आती नहीं आई, क्योंकि इस साइड के ऊपर फोकस नहीं, लेकिन इधर देख लो कि भाई एक बंदा हैरान हो जाता है कि कितने एक प्रोजेक्ट भाई यार, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट अब इन दिनों में, तो मुझे लगता है 100 कंप्लीट हो चुकी है वंदे भारत, जो कि 400 का टारगेट है पीएम मोदी जी का, इसमें से भाई 100 कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये 10 की 10 थी जो उन्होंने एक दिन में चलाई हैं,
और देख लो यार कितना एक तेजी से काम चल रहा है, बहुत तेजी से यार। अब देखो ना जैसे एक बुलेट ट्रेन पर अगर 2027-28 में भी कंप्लीट हो जाती है ना, इंडिया में बुलेट ट्रेन चल जाती है, तो ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि लोग जब भी एक मतलब के एक कंट्री में जाते हैं ना दूसरी की, तो वो एक बुलेट ट्रेन ज़रूर कवर करते हैं व्लॉगर, एक बहुत खुशी होती है और वो एक उनका रिएक्शन देखने वाला होता है। अब एक जब हम देखते हैं भाई एक इंडियन व्लॉगर जाते हैं चाइना में या इधर सऊदी अरेबिया में जिधर भी, तो वो बुलेट ट्रेन पर काफ़ी उनको खुशी होती है और उनको उम्मीद है कि हमारी कंट्री में भी भाई चलेगी बुलेट ट्रेन। बहुत वर्किंग यार हो रही है उस पर, बुलेट ट्रेन भाई मज़ा देगी जब चलेगी, मेड इन इंडिया भाई एक ऊपर चला गया। जापान और इंडिया मिलकर यार बना रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई ये वीडियो भी देखकर। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।